और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी IDA ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच साबित हो रही है। IDA का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। IDA के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66-73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है। यानी लो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। IDA ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। NIN ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। NSSO के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। दिसंबर 2015 में आई द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के मामले में 5 ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, रशिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। 2013 में पूरी दुनिया में बीमार लोगों की कुल संख्या में से 20% भारतीय थे। भारत में इस वक्त 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और डायबिटीज के मरीजों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक सन 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होंगी। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब उनकी किडनी 60% तक बेकार हो चुकी होती है। ये सारी बातें सुनकर आप चिंतित जरूर हो रहे होंगे।
आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ भारत के लोग बीमार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं। ये एक तरह से दोहरी मार है। लेकिन इस विषय पर हमारा आज का वीडियो विश्लेषण देखने के बाद आपको थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा और आप ये समझ जाएंगे कि मौजूदा दौर में शरीर में पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। हर वो चीज जो चमकती है सोना हो ये जरूरी नहीं है। आपकी खाने की थाली पोषक तत्वों के मामले में आपको धोखा दे रही है, तो ये भी हो सकता है कि चमकता हुआ टमाटर, चमकती हुई सब्जियां भी आपकी सेहत पर भारी पड़ रही हो। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मार्केट में अगर आपको टमाटर ज्यादा चमकता हुआ नजर आए तो बहुत मुमकिन है कि ये हाइब्रिड फार्मिंग के नाम पर केमिकल्स और आर्टिफिशियल वैक्स की देन हो। इनसे भी दूर रहने में भलाई है। रीजंस हैं, एक तो हम जिस तरह का एग्रीकल्चर करते हैं, जिस तरह के टेक्निक्स यूज करते हैं, बहुत इंटेंसिव है, तो प्रॉबेबली देर इज नॉट इनफ टाइम फॉर अपटेक जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स वहां पे एब्जॉर्ब हो। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो हो रहा है उसकी वजह से, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है एटमोसफेयर में, जो अब बहुत बढ़ गया है, एमिशंस बढ़ गए हैं, वो एक रीजन है दैट इज अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन। ये सब सवाल खड़े हुए हैं इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन के आकलन से। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने 2017 के लिए फूड कॉम्पोजिशन टेबल जारी किया है। ये टेबल हमारे देश में अनाज, फल, सब्जी, इन सब में पोषक तत्वों की मात्रा का सूचकांक है। यानी एक रोटी में कितनी कैलोरी, दाल में कितना प्रोटीन और फलों में कितना विटामिन पाया जाता है, इन सब को जांचने का आधार यही आंकड़े है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इससे 30 साल पहले ऐसा एक टेबल जारी किया था। इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन ने जब 30 सालों में आए अंतर का आकलन किया तो पाया कि खाने से पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स गायब हो रहे हैं। ये हर चीज का अलग अलग जैसे देखा गया है और बहुत जनरलाइज करना अभी मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो NIN ने अपनी फूड कॉम्पोजिशन टेबल्स 2017 में निकाली है तो उस पर अभी भी लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको पूरी तरह ये करने एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जनरली ट्रेंड्स देखा गया है, जैसे दालों में भी प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम हुई है, कुछ कहीं कहीं जैसे आयरन की मात्रा की कुछ चीज़ों में कम हुई है, अंडे वगैरह में भी प्रोटीन कम हुआ है। यानी ऐसा हो सकता है कि सब्जी, सलाद, चावल, रोटी और फल से भरपूर होने के बाद भी आपकी थाली आपको सेहत के लिहाज से भूखा ही मार रही हो। आपका पेट तो भर रहा हो लेकिन सेहत वाली जरूरत आधी ही रह जाए। एक स्वस्थ पुरुष को पूरे दिन में 2320 कैलोरी की जरूरत होती है, जबकि एक महिला को 1900 कैलोरी की जरूरत होती है। ये जरूरत खाने में शामिल रोटी, सब्जी, दाल, सलाद और फलों से पूरी हो सकती है। एक पुरुष को दिन भर में 60 ग्राम और महिला को 55 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके अलावा कैल्शियम की जरूरत 600 मिलीग्राम होती है, जबकि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। एक महिला को पूरे दिन में 21 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है, जबकि पुरुष को 17 मिलीग्राम आयरन की। लेकिन अगर अब आप ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो खाया वो तन के साथ साथ मन को यानी सेहत को भी लगा या नहीं लगा, तो जानकार ये सलाह देते हैं कि अपने खाने में सेहतमंद चीजों की वैरायटी लाएं। वैरायटी डाइट में लेनी चाहिए, जैसे प्रोटीन में स्प्राउट्स हैं या प्रोटीन में जैसे पनीर है या सोया है, तो सिर्फ दाल पे ना डिपेंड करके साथ में आप कोई सोया या कोई पनीर ऐड करेंगे तो उसमें एक तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन मिलेगा और एक थोड़ा सा वैरायटी मिलेगी आपको और न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी कॉम्पनसेट हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट्स पहले जैसे गेहूं है उसमें कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता था, अब वो कम हो गया है, यानी 10% जैसे कि रिसर्च कह रही है कम हो गया है, तो वो 10% कॉम्पनसेट करने के लिए अगर वही विटामिन आप फ्रूट एक्स्ट्रा ले लें या जैसे आप कोई सैलड एक्स्ट्रा ले लें या वेजिटेबल जूस एक्स्ट्रा ले लें तो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। अगर आप सेहतमंद खाना खा रहे हैं यानी प्रोसेस्ड और जंक फूड से दूर हैं, तो आपकी सेहत को खतरा थोड़ा कम है।
लेकिन अगर आपके बाल तेजी से गिर रहे हैं, त्वचा पीली पड़ रही है, नाखून टूट रहे हैं और आपको हर वक्त कमजोरी का एहसास होता है, तो हो सकता है कि आपकी सेहत की जरूरत पूरी करने के लिए आपको मल्टीविटामिन्स की जरूरत पड़ जाए। सबसे पहले तो जैसे कि आप पैकेज्ड फूड कम लेके, अगर आप सीजनल जो फ्रूट है, वेजिटेबल है और खाना है, अनाज, वो ज्यादा ले, सीजनल जो आपका खाना है। दूसरी चीज ऑब्वियसली है कि जैसे कि आप अपनी डाइट में जो एक पुरानी जैसे हरी चटनी है या जैसे कि सैलेड है, ये सारी चीजें और इंक्लूड करें, ताकि अगर एक तरफ से प्रोटीन और कार्ब मिल रहा है, दूसरी तरफ से आपको विटामिन मिनरल मिले। देन अगर डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कमजोरी आ गई है या दिख रहा है कि यू नो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो फिर हो सकता है मल्टीविटामिन्स भी लेने पड़े। खाने से पोषक तत्व गायब होने के पीछे सीधी वजह है मिट्टी से गायब हो रही ताकत, यानी उसकी उर्वरा शक्ति। तेजी से फसल उगाने के चक्कर में एक ही जमीन पर बार बार फसल उगाना, केमिकल्स और कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल, हाइब्रिड फार्मिंग यानी इंजेक्शन की मदद से फल सब्जियों को जल्दी बड़ा करना, ये उन बड़ी वजहों में से है जो आपकी थाली तक सेहत पहुंचने से पहले ही उसमें केमिकल्स का कॉकटेल घोल चुके होते हैं। बढ़ती आबादी में ज्यादा फसल बिक तो जाती है, लेकिन क्या मिट्टी में सेहत बाकी रह जाती है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए सरकार सॉयल हेल्थ कार्ड पर जोर दे रही है, यानी आपकी जमीन कितनी सेहतमंद है और वो कौन सी फसल उगाने के काबिल है, ये तय करने के लिए जमीन की टेस्टिंग की जाए और उसे फिटनेस का सर्टिफिकेट भी दिया जाए। यही पैमाना ये तय कर सकता है कि हम आप तक पहुंचने वाले फल, सब्जी और अनाज कितने सेहतमंद होंगे। टेस्टिंग लैब में है जहां पर सॉइल टेस्टिंग लगातार की जाती है, और इस वक्त भी आप देख रहे हैं यहां सॉइल टेस्टिंग के लिए काम चल रहा है। मेरे साथ त्रिवेदी जी हैं, इनसे मैं समझना चाहूंगी, सर सॉइल टेस्टिंग, अगर कोई किसान ये समझना चाहे कि उसके लिए अपनी मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है, तो आप उसको क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली जो सॉइल होता है, सॉइल में एक NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, दीज आर द प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आदमी के लिए हवा की रिक्वायरमेंट होती है, ये अगर जो डेफिशिएंट सॉइल होगी तो उसमें जो क्रॉप है वो उगाना एक जस्टिफाइड नहीं होगा। तो इसके लिए प्राइमरी जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन्हें तो टेस्ट कराना ही कराना है, उनका लेवल्स आपको टेस्ट कराना है, टेस्टिंग लेना, और ये 2 से 3 दिन में आराम से टेस्ट हो जाते हैं। किसान को इससे क्या फायदा होता है? देखिए, अगर किसान का बेसिक एम होता है यील्ड, अगर जो आपके पास जो सॉइल है डेफिशिएंट है, एनपीके डेफिशिएंट है, तो आप कुछ भी क्रॉपिंग करेंगे आपको यील्ड नहीं मिलेगी। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉइल ओवर द पीरियड किस तरह से उसने अपनी न्यूट्रिशन, यानी कि अपना खुद का जो पोटेंशियल है उसको खो दिया है। आपसे मैं पूछना चाहूंगी प्रदीप जी कि आप लोग लगातार सॉइल टेस्ट करते हैं, क्या आप लोगों ने भी ये महसूस किया है कि जो मिट्टी है उसकी जो पहले की ताकत थी वो अब नहीं रही और उसका असर हमारे खाने पीने पर भी पड़ रहा है? आजकल जो नॉर्मल है, चाहता है किसान बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी अच्छी पैदावार हो, और अच्छी अच्छी पैदावार होने के बाद में वो हम मार्केट में अच्छे दाम मिल सके। लेकिन उसमें क्या है, उसमें एक तो अपने टाइमिंग जो होती है वो फसल की टाइमिंग को कम करता जा रहा है, और जो उसमें जैविक खाद है उसकी उसको हटा के उसमें जो रासायनिक खाद वगैरह जो उर्वरक है उनको इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि DAP, यूरिया वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों ने टेस्टिंग के दौरान ये भी पाया कि जमीन खतरनाक केमिकल्स, खराब हवा और जहरीले पानी से बर्बाद हो रही है, तो वहाँ से उगने वाली सब्जियों को सुंदर दिखाने के नाम पर उन पर होने वाली पॉलिश भी उन्हें बर्बाद कर रही है। पूजा मक्कड़, Zee Media।